टारगेट एग्जाम 94 परिवार में आप लोगों का स्वागत है। ओके गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, प्लस पास ही में बेल आइकन का बटन है उसको दबाएं ताकि हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का लिंक आप तक पहुंच सके। ओके गाइस, हम टॉपिक करा रहे थे भारत की गणना, भारत की जनगणना। इसी में भारत की जनगणना का पार्ट प्लस पार्ट वन आया था, जो हमने पार्ट वन पहले करा दिया है और पार्ट टू अब करा रहे हैं। और भारत की जनगणना में हम स्पेशल टॉपिक ले रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनगणना। उत्तर प्रदेश की जनगणना का पार्ट वन आ चुका है और उसी का पार्ट टू अब हम शुरू करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट टू में जो है उत्तर प्रदेश की जनगणना में सबसे पहले आएगा लिंगानुपात। लिंगानुपात से क्या मतलब होता है, क्या होता है लिंगानुपात? लिंगानुपात होता है किसी भी जनसंख्या का, किसी भी जनसंख्या, किसी भी देश की हो चाहे वो प्रदेश की हो, कोई भी जनसंख्या उसमें पुरुष और महिलाओं के बीच में जो रेशो होता है, अनुपात होता है, उसको लिंगानुपात कहते हैं। वो राज्य का भी हो सकता है, जिले का भी हो सकता है, राष्ट्र का भी हो सकता है, वैश्विक भी हो सकता है। जिस प्रकार अभी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनगणना, तो इसीलिए हम यहाँ पर ले रहे हैं उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है। अगर हम उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात की बात करें तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात के मामले में भारत में उत्तर प्रदेश काफी पिछड़ा राज्य माना जाता है लिंगानुपात के प्रोस्पेक्ट में, क्योंकि उत्तर प्रदेश का भारत में, पूरे भारत में यानी 26वां स्थान आता है लिंगानुपात में। 26वां स्थान, 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश, यानी टोटल 36 में मिला लिया जाए तो उत्तर प्रदेश की जो जनगणना में लिंगानुपात में जो उत्तर प्रदेश का स्थान आता है 26वां आता है। तो इसके मतलब हम यानी कि बहुत ज्यादा पिछड़ा राज्य माना जाता है लिंगानुपात के प्रोस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हम। अब बात आती है भारत का लिंगानुपात कितना है। अगर हम भारत से कंपेयर करें, भारत की टोटल जो एवरेज लिंगानुपात है तो उसमें जो भारत का टोटल लिंगानुपात जो है 943 है। यानी कहने का मतलब ये है, अगर भारत में 1000 पुरुष हैं, 1000 पुरुष हैं, अगर भारत में टोटल 1000 पुरुष हैं, 1000 मेल हो गए, तो फीमेल जो है उन पर जो है 943 हैं, 943। तो कहने का मतलब ये है पुरुषों के कंपेयर में महिलाएं जो हैं काफ़ी कम हैं। उसी प्रकार अब हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में गाइस यानी कि लिंगानुपात जो है जब 26वें नंबर पर भारत यानी उत्तर प्रदेश आ रहा है भारत में, तो इसका लिंगानुपात कितना है। तो उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात आता है 1000 पुरुष पर 912 महिलाएं। तो ये जो है 912 महिलाएं, तो उत्तर प्रदेश काफी पिछड़ा राज्य है। अब बात करते हैं हम यानी कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जनपद में सर्वाधिक है, कौन कौन से जनपद में यानी कि सर्वाधिक किसी में पिछड़ा है, यानी टॉप हम 4 जनपद ले लें उत्तर प्रदेश के, तो वो कौन से जनपद हैं उत्तर प्रदेश के जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले हैं। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वालों उत्तर प्रदेश के 4 जनपदों में सबसे पहले स्थान आता है जौनपुर का। ओके गाइड, जौनपुर का लिंगानुपात है 1024। यानी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद की बात करेंगे तो कौन सा आ जाएगा, जौनपुर। जौनपुर का आ जाएगा 1024। यानी कहने का मतलब यह, अगर 1000 पुरुष हैं यहां पर तो महिलाओं की संख्या कितनी है, 1024 जौनपुर में। और दूसरे नंबर पर आ जाता है आजमगढ़ का उत्तर प्रदेश में सेकंड स्थान आता है, इसका यानी कि अनुपात है 1019। तीसरे नंबर पर, इसी प्रकार तीसरे नंबर और चौथे नंबर देवरिया और प्रतापगढ़ आ जाता है। अब बात कर लें, ये तो उच्चतम लिंगानुपात था, न्यूनतम लिंगानुपात वाले कौन से उत्तर प्रदेश के 4 जनपद हैं। तो 4 जनपद उत्तर प्रदेश के न्यूनतम लिंगानुपात में बात करेंगे तो सबसे प्रथम पर आएगा गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर का लिंगानुपात उत्तर प्रदेश में सबसे कम है, कितना है, 851। और दूसरे नंबर पर आ जाएगा, इसी का पड़ोसी जनपद है बागपत, बागपत का कितना है, 861। और तीसरा चौथा और पांचवा ये जो आता है कानपुर, बांदा और मथुरा, इन तीनों जनपद का सेम है, यानी कि सेम कितना है, 863।
1000 पर 863 महिलाएं। उसके बाद औरैया का आता है, औरैया का आता है 864। अगर हम बात करें, एक प्रश्न घुमा के यहाँ पे पूछ सकता है, उत्तर प्रदेश के न्यूनतम लिंगानुपात वाले तीन राज्य कौन से, तीन जनपद कौन से हैं जिनका सेम है, तो कौन कौन से आ जाएंगे सेम वाले, कानपुर, बांदा, मथुरा। तीन जनपद उत्तर प्रदेश में सेम लिंगा अनुपात वाले हैं, कौन कौन से हैं, कानपुर, बांदा और मथुरा। तो इनका तीनों का लिंगानुपात जो है सेम है, कितना है, 863। अब बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला यानी कौन सा जिला है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला। अगर हम बात करते हैं नगरीय जनसंख्या की, 2011 की जनगणना के अनुसार यानी कि नगरीय जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, यानी कि टोटल अगर संपूर्ण भारत में बात करें पहले, तो संपूर्ण भारत में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान आता है नगरीय जनसंख्या में, प्रथम स्थान महाराष्ट्र का आता है। उसी प्रकार अब हम बात करें, यानी हम उत्तर प्रदेश की जनगणना को यहाँ पर टॉपिक कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, तो उत्तर प्रदेश के चार कौन से ऐसे जनपद हैं जिनकी सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है, तो उनमें प्रथम स्थान पर जो आएगा सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या में गाजियाबाद आएगा। प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जनपद है। दूसरे नंबर पर आता है लखनऊ, लखनऊ का स्थान दूसरा है उत्तर प्रदेश में। फिर तीसरे पर कानपुर और आगरा है, कानपुर और आगरा तीसरा और चौथा नंबर पर आता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले भी तो चार जनपद होंगे, जब उच्चतम वाले हैं तो सर्वाधिक न्यूनतम वाले, क्योंकि यही प्रश्न अभी शायद 2015 के पीसीएस में भी पूछा गया था, 2015 के पीसीएस में, उत्तर प्रदेश पीसीएस में ये पूछा गया था न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले कौन कौन से जनपद हैं। तो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले कौन कौन से जनपद है, नंबर वन पाता है श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या वाला नगरीय, नगरीय जनसंख्या वाला सबसे कम है, कौन है, श्रावस्ती। दूसरे नंबर पर आता है चित्रकूट, चित्रकूट का उत्तर प्रदेश में दूसरा स्थान है सबसे कम नगरीय जनसंख्या में। तीसरे स्थान पर इसी प्रकार कौशाम्बी और संत कबीर नगर आता है, कौशाम्बी और संत कबीर नगर तीसरे और चौथे स्थान पर आ जाता है। अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या की, जिस प्रकार नगरियों की जनसंख्या थी उसी प्रकार ग्रामीण जनसंख्या भी हो सकती है। अगर ग्रामीण जनसंख्या में अगर हम बात कर लें यहाँ पर, तो ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा जनपद आएगा उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद। दूसरे नंबर पर जाएगा आजमगढ़, तीसरे पर जौनपुर और सीतापुर। मित्रों कहने का मतलब यहाँ पे ये है, जिस प्रकार चार जनपद उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नगरीय वाले थे, उसी प्रकार यानी ग्रामीण जनसंख्या वाले भी तो चार जनपद होंगे। अगर प्रश्न घुमा के पूछ सकता है हमसे आयोग किसी भी एग्जाम में उत्तर प्रदेश के, कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जनपद कौन से हैं, तो उसमें प्रथम स्थान जो आएगा इलाहाबाद का आएगा, दूसरा आजमगढ़ का आएगा, तीसरा जौनपुर का आएगा और चौथा सीतापुर का आएगा। अगर चारों की बात करेंगे और टोटल अगर समस्त में पूछे, अगर समस्त ग्रामीण जनसंख्या पूरे भारत में पूछे, सबसे ज़्यादा यानी सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, जब उत्तर जब सेंटर के लेवल प्रश्न पूछेगा तो सेंटर पर, तो उसमें कौन सा आएगा, उत्तर प्रदेश, और दूसरे नंबर पर आएगा महाराष्ट्र। अब अच्छा, अब हम बात कर रहे थे, जैसे कि पहले हम बात कर रहे हैं लिंगानुपात की, लिंगानुपात में एक प्रश्न और पूछ सकता है, हमने अभी बात करी थी उत्तर प्रदेश की, उसी में लिंगानुपात में अगर सपोज करो उदाहरण घुमा कर अगर पूछ ले लिंगानुपात में सर्वाधिक सेंटर में कितना है, पूरे भारत का जो लिंगानुपात है 943 है, 1000 पुरुष पर 1000 मेल हो गए और फीमेल हो गई 943। अगर इसी में अगर एक प्रश्न पूछ ले कि भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, अगर एक क्वेश्चन आ जाए तो कौन सा होगा, इसमें आ जाएगा सबसे नंबर वन पर केरल। मित्रों केरल जो है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला यानी कि राज्य है पूरे भारत में, इसका लिंगानुपात 1084 आता है।
इसी प्रकार अगर न्यूनतम वाला पूछ ले, न्यूनतम लिंगानुपात वाला अगर सेंटर में, तो कौन सा आ जाएगा? हरियाणा, हरियाणा का आ जाएगा 879। यानी कि दोनों राज्य जो है हाईएस्ट और लोएस्ट, हाईएस्ट और लोएस्ट। इसी प्रकार अगर बोले यूनियन टेरिटरी से भी पूछ सकता है, अगर ये प्रश्न यहां पे घुमा के पूछ ले कि सर्वाधिक यूनियन टेरिटरी में केंद्र शासित प्रदेश में किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो उसमें आ जाएगा आपका पांडुचेरी, पांडुचेरी। और लोएस्ट में पूछ ले तो दमन, दमन का लगभग, दमन का तो पूरे भारत में बहुत ज्यादा कम है 618, और पांडुचेरी का है 1037। तो काफी, यानी कि दमन तो काफी पीछे है और पांडुचेरी जो है काफी, यानी कि काफी आगे है। इसी प्रकार अगर जिलों में पूछ ले पूरे समस्त भारत के लिंगानुपात, ये अलग से बता रहा हूं, इसीलिए मैं चार हाईएस्ट राज्य, चार लोएस्ट, यानी कि चार हाईएस्ट मैंने जनपद बताए थे उत्तर प्रदेश के, ये मैंने इसलिए बता रहा हूं कि ओवरऑल अगर कभी प्रश्न घुमा के पूछ ले आपसे भारत में, तो सबसे हाईएस्ट यानी कि लिंगानुपात में राज्य कौन सा है? केरल। और लोएस्ट में कौन सा है? हरियाणा। उसी प्रकार से अगर यूनियन टेरिटरी में पूछ ले तो हाईएस्ट यूनियन टेरिटरी में कौन आएगा? पांडुचेरी। और लोएस्ट में कौन आएगा? दमन। इसी प्रकार से अगर पूरे भारत में अगर कोई जिला पूछ ले एक स्पेशल तरीके से, कौन सा जिला ऐसा है कि जिसका सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है पूरे भारत के अंदर, तो उसमें आ जाएगा माहे, माहे आता है पांडुचेरी का जिला है, पुडुचेरी, पांडुचेरी का माहे, माहे का आता है अनुपात 1137। यानी कि यहां का कहने मतलब इन 1137 पर, यानी 1000 पुरुष पर, मेल पर कितनी महिलाएं हैं? 1176। 37 मेरा हो रहा था 1176, तो 1176 महिलाएं हैं पूरे भारत में सबसे ज्यादा। और इसके बाद आता, अगर कोई दूसरा जिला पूरे समस्त भारत में अगर बात कर ली जाए, तो उसके बाद आता है कौन सा जिला? आता है अल्मोड़ा, अल्मोड़ा का आता है 1137 और इसका है 1176। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, आते हैं अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले चार जनपद, यानी कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले चार जनपद कौन कौन से हैं। उनमें से सबसे प्रथम स्थान आता है नोएडा का, दूसरे स्थान पर आता है महुआ, तीसरे पर आता है हमीरपुर और चौथा आता है चित्रकूट। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले, जिसमें यानी कि कौन कौन से ऐसे जनपद हैं जिनमें सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या रहती है उत्तर प्रदेश में, तो कौन से हैं? नोएडा, महुआ, हमीरपुर और चित्रकूट। इसी प्रकार से मित्रों हम अगले पॉइंट पर आते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले चार जनपद। अच्छा, इस पॉइंट को हम और डीपली ले लें तो अगर हम बात करें सर्वाधिक अनुसूचित जाति, सर्वाधिक अनुसूचित जाति क्या होती है? जिसको बोलते हैं एससी कास्ट। उत्तर प्रदेश में एससी कास्ट का प्रतिशत की अगर हम बात करें पूरे समस्त उत्तर प्रदेश में, तो लगभग 6-7% के करीब आता है, 20.67, यानी कि 20.7%। यानी कि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है उसका टोटल प्रतिशत का कितना है? एससी कास्ट कितनी है? 20.7%। अब हम 20.7%, और यही बात अगर हम पूरे समस्त भारत की करें, समस्त भारत की जनसंख्या का यानी कि एससी की परसेंटेज कितनी है, एससी परसेंटेज समस्त भारत में अगर बात कर रहे हैं, तो ये तो हो गया यूपी का 20%, और पूरे इंडिया में कितना है एससी कास्ट? इंडिया में बात करेंगे तो 16.6%, यानी कि 16.6% पूरे इंडिया में एससी कास्ट है, और यूपी में कितनी है? 20.7%। अगर यहीं पर एक प्रश्न और घुमा के पूछ ले कि सर्वाधिक एससी कास्ट वाला, एससी कास्ट की जनसंख्या वाला
यानी कि जनसंख्या में, यहाँ प्रतिशत की बात आई, वहां पर आ गई जनसंख्या में, सर्वाधिक एससी कास्ट की जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में एससी कास्ट सबसे ज्यादा है। वहीं पर अगर हम इसको घुमा के पूछ लें कि प्रतिशत में सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है जिसमें एससी कास्ट सबसे ज्यादा प्रतिशत है, तो उसमें आ जाएगा प्रथम स्थान आ जाएगा पंजाब का। पंजाब में लगभग गाइस यानी 32%, पंजाब में लगभग 32% कितने, पंजाब में आएगा 32% क्या है, एससी कास्ट। पंजाब में आ जाएगा 32% एससी कास्ट, समस्त यानी कि समस्त पंजाब की जनसंख्या का 32% कौन है, एससी कास्ट है। अब हम बात कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जनगणना। तो मित्रों अब हम उत्तर प्रदेश की जनगणना में बात कर रहे हैं एससी कास्ट की। तो एससी कास्ट में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या यानी 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति वाले 4 जनपद कौन कौन से बताए हमने आपको, पहला है सीतापुर, इलाहाबाद दूसरे नंबर, तीसरे पर हरदोई, 4 पे आजमगढ़। यानी कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एससी कास्ट की जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है, सीतापुर है प्रथम स्थान पर, दूसरे स्थान पर इलाहाबाद है, तीसरे पर हरदोई है, चौथा आजमगढ़ है। इसी प्रकार अगर हम बात करें न्यूनतम एससी कास्ट की जनसंख्या वाले 4 जनपद कौन से हैं उत्तर प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश में न्यूनतम शेड्यूल कास्ट वाले यानी कि एससी अनुसूचित जाति वाले 4 जनपद कौन से हैं, यानी कौन कौन से हैं, उसमें नंबर आएगा, पहले नंबर पर आएगा बागपत। बागपत उत्तर प्रदेश में सबसे कम एससी कास्ट जनसंख्या वाला जनपद है। दूसरे नंबर पर कौन आता है, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में दूसरा ऐसा जनपद है जिसकी सबसे कम एससी कास्ट निवास करती है। तीसरे नंबर पर आएगा नोएडा और चौथे पर आ जाएगा इसी प्रकार महुआ। यानी कि 4 न्यूनतम वाले आ जाएंगे, बागपत, श्रावस्ती, नोएडा, महुआ। उसी प्रकार सर्वाधिक एससी कास्ट वाले कौन से हो जाएंगे, सीतापुर, इलाहाबाद, हरदोई, आजमगढ़। उसी प्रकार अगर हम पूरे भारत में समस्त भारत में एससी कास्ट की बात करें, सबसे ज़्यादा एससी कास्ट किसमें वो करती है, तो उत्तर प्रदेश में आ जाएगा। और प्रतिशत के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो प्रतिशत के अनुसार कौन सा आ जाएगा, पंजाब में लगभग 32% एससी कास्ट निवास करती है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश की 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जिसको बोलते हैं एसटी, यानी कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले कौन कौन से जनपद हैं। अगर हम बात करें यानी कि जनपदों की बात करें सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले उत्तर प्रदेश में 4 जनपदों की बात करने, तो प्रथम स्थान पर जाएगा सोनभद्र, दूसरे पर जाएगा बलिया, तीसरे पर जाएगा देवरिया, चौथे पर जाएगा कुशीनगर। और इसी प्रकार अगर हम न्यूनतम में बात करें कि न्यूनतम एसटी कार्ड कौन से, शेड्यूल ट्राइबल कास्ट वाले न्यूनतम शेड्यूल ट्राइबल कास्ट वाले कौन से 4 जनपद है उत्तर प्रदेश में, तो इसमें प्रथम स्थान आ जाता है बागपत का, दूसरा स्थान आ जाता है कन्नौज का, तीसरा स्थान आ जाता है बदायूं का, चौथा आ जाता है एटा का। यानी कहने का मतलब हमारा यह है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में न्यूनतम एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब जनसंख्या वाले 4 जनपद कौन से हैं, तो 4 जनपद उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं, नंबर 1 पर जाएगा बागपत, दूसरे पर जाएगा कन्नौज, तीसरे पर जाएगा बदायूं, चौथे पर जाएगा एटा। ये तो हो जाएगी उत्तर प्रदेश की बात। अगर हम यहीं पर बात करें कि शेड्यूल ट्राइब की बात कर रहे हैं, तो शेड्यूल ट्राइब को अगर अखिल भारतीय स्तर पर अगर हम देख लें, अखिल भारतीय स्तर पर शेड्यूल ट्राइब कितने परसेंट है, तो लगभग 8% के करीब, 8% शेड्यूल ट्राइब पूरे समस्त भारत में है। लेकिन अगर हम बात करें परसेंटेज के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश में कितनी परसेंट है, तो 0.6% उत्तर प्रदेश में है एसटी कास्ट शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति कितने परसेंट है, 0.6%। समस्त उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितना है, 0.6%। और यही पूरे भारत की जनसंख्या में बात करें कि पूरे भारत में कितने परसेंटेज है, तो 8% लगभग
8% पूरे इंडिया में है। अगर बात करें सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश में कौन सी, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, अगर हम प्रश्न ये घूम कर आ जाए उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो जनजाति उत्तर प्रदेश की जनजाति में बात करेंगे यानी एसटी कास्ट, एसटी जिसे शेड्यूल ट्राइब उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी निवास करती है, तो थारू, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। और इसका भी जिला पूछ सकता है तो आ जाएगा सोनभद्र, सोनभद्र यानी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक थारू जनजाति कहां पर है, सोनभद्र में निवास करती है और थारू ही जनजाति उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। इसी प्रकार अगर अब हम बात कर लेते हैं यानी कि टोटल यानी कि जनगणना में 2011 की जनगणना के अनुसार यानी कि धार्मिक जनसंख्या की बात कर लें कि धर्म के अनुसार उत्तर प्रदेश में कौन सा धर्म सबसे ज़्यादा है दूसरे नंबर, और उसके बाद जो सर्वाधिक पहले नंबर पर आता है वो तो होता है बहुसंख्यक, उसके बाद अल्पसंख्यक धर्म आ जाते हैं, तो अल्पसंख्यक में दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर किसका क्रम आता है, तो इसमें यानी गाइज नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे, इसको मिटा देते हैं, तो सर्वाधिक 2011 यानी 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में धर्मानुसार जनसंख्या यानी धर्म के अनुसार जनसंख्या यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या धर्म के अनुसार उत्तर प्रदेश में कौन सा है, नंबर वन पर आएगा इसमें हिंदू, हिंदुओं की सबसे ज्यादा आ जाएगी नंबर वन पर है हिंदू। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में धर्म अनुसार जनसंख्या नंबर वन पर आ जाएगा हिंदू, दूसरे पर आ जाएगा मुस्लिम, इसी प्रकार तीसरे स्थान पर आ जाएगा सिख और चौथे स्थान पर आ जाएगा ईसाई। अगर मित्रों पांचवें स्थान की बात करें जैन और लास्ट हो जाएगा छठे पर बौद्ध। अगर प्रतिशत के अनुसार देखें, अगर धर्म के अनुसार जैसे हैं तो इनके प्रतिशत के अनुसार अगर उत्तर प्रदेश में हिंदू धर्म को देखें तो लगभग आ जाएगा 79%, लगभग मुस्लिम धर्म आ जाता है, 19%, उसके बाद सिख आ जाता है 0.3% और ईसाई आ जाएगा 0.2% और ये फिर 0.1 यानी पॉइंट ऐसे ही हैं दोनों मिला के यानी करीबी करीबी जैन और बौद्ध दोनों करीब करीब आ जाते हैं। तो सर्वाधिक में कौन सा आ जाएगा, हिंदू धर्म आ जाएगा, दूसरे पर आ जाएगा मुस्लिम धर्म आ जाएगा, तीसरे पर सिख आ जाएगा, चौथे पर ईसाई आ जाएगा, पाँचवें जैन और बौद्ध, और ये सब जो है परसेंटेज के अकॉर्डिंग है। अगर गाइज अगर हम बात करें हिंदू धर्म के, जैसे बता रहे हैं हम हिंदू धर्म उत्तर प्रदेश में कितने परसेंट था, उत्तर प्रदेश की जनगणना चल रही है, तो इसी के अनुसार अगर प्रश्न घुमा के अगर आपको पूछ ले कि हिंदू प्रतिशत वाले सर्वाधिक, हिंदू प्रतिशत वाले सर्वाधिक जन यानी कि कौन से जनपद हैं तीन उत्तर प्रदेश में, इस प्रकार से प्रश्न भी तो घूम सकता है या पूछ सकता है, यानी मुस्लिम धर्म वाले, मुस्लिम धर्म वाले सर्वाधिक, मुस्लिम धर्म वाले प्रतिशत वाले कौन से तीन यानी कि जनपद हैं, तो इस तरह से अगर हम बात करें तो पहले जनपद पर आ जाएगा हिंदुओं में, हिंदू जनसंख्या में, हिंदू जनसंख्या में 2011 के अकॉर्डिंग, 2011 के की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत वाले, सर्वाधिक प्रतिशत वाले हिंदू प्रतिशत वाले सर्वाधिक हिंदू, सर्वाधिक हिंदू प्रतिशत वाले जनपद, तो इसमें प्रथम स्थान आ जाता है चित्रकूट का,
चित्रकूट में लगभग 96% हिंदू जनसंख्या निवास करती है। दूसरे स्थान पर आ जाएगा ललितपुर, इसमें निवास करती 95% हिंदू जनसंख्या। और तीसरे स्थान पर आ जाएगा मैनपुरी, मैनपुरी में लगभग 93% हिंदू जनसंख्या निवास करती है। इसी प्रकार बात करते हैं, अगर ये तो हो गए तीन हिंदू यानी जो परसेंटेज के गौर सिंह, किस जनपद में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती हिंदू। इसी प्रकार मुस्लिम जनसंख्या वाले अगर तीन जनपद पूछ ले उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं, तो इसको मिटा देते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मुस्लिम प्रतिशत वाले, मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत वाले जनपद। तो इसमें मुस्लिम प्रतिशत जनसंख्या वाले में सबसे प्रथम स्थान आता है रामपुर का, रामपुर। दूसरे रामपुर की लगभग जनसंख्या जो है, मुस्लिम जनसंख्या जो निवास करती है टोटल जनसंख्या में, उसमें लगभग 50.5% मुस्लिम जनसंख्या निवास करती है। दूसरे स्थान पर आ जाता है मुरादाबाद, इसमें लगभग 47% मुरादाबाद में जो है यानी मुस्लिम जनसंख्या निवास करती है। अगर तीसरे स्थान की बात कर लें, अगर आ जाए तो बिजनौर, बिजनौर में लगभग 43% यानी कि जनसंख्या मुस्लिम निवास करती है। यानी कहने का आशय हमारा ये है, उत्तर प्रदेश में तीन सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या निवास करने वाले कौन कौन से जनपद हैं, रामपुर, मुरादाबाद और बिजनौर। ओके गाइज, अभी हमने जैसे एसटी में बताया था आपको, अगर एक प्रश्न कभी घुमा के बोले तो हम एसटी अभी बता रहे थे एसटी में उत्तर प्रदेश में कितनी परसेंट जनसंख्या है, तो एसटी में उत्तर प्रदेश की परसेंटेज जनसंख्या 0.06% बताई थी। तो उसमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या निवास करती है एसटी में कौन सी है बताई थी हमने, सोनभद्र में, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है, सोनभद्र में जो बताई थी, और हमने बताई थी थारू। इसी प्रकार अगर समस्त भारत की बात करें एसटी में, समस्त भारत में, इंडिया में, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा एसटी यानी किस प्रदेश में निवास करती है, यह कौन सी सबसे बड़ी जनसंख्या है एसटी में, एसटी कास्ट में कौन सी यानी जाति जनजाति सबसे बड़ी है, तो उसमें आता है भील, इंडिया में आती है भील, भील। और भील का सबसे ज़्यादा रीजन जो आता है ये मध्य प्रदेश में आता है, एमपी में, मध्य प्रदेश में। इसके साथ साथ राजस्थान, गुजरात में इसका निवास करती है, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, लेकिन सबसे ज़्यादा विस्तार जो आता है एमपी में आता है। ओके गाइस, ये जनसंख्या का टॉपिक 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अनुसार ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में, अपने फ्रेंड्स में, सब में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि साथ पास में जो बेल आइकन का बटन है उसको दबाएं और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुँच सके। 2011 की जनगणना का जो टॉपिक था उत्तर प्रदेश का, ये यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, प्लस में साथ में बेल आइकन का बटन है उसको दबाएं, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का लिंक आप तक पहुंच सके। और जब तक के लिए मित्रों, मिलते हैं, जय हिंद।